आप एक अच्छे पिता हो सकते हैं, एक अच्छी माँ हो सकती हैं, अच्छे भाई बहन या फ्रेंड, या फिर एक अच्छे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, या फिर एक अच्छे व्यक्ति हो सकते हैं, एक अच्छे बच्चे हो सकते हैं, एक आपके बहुत सारे रूप होंगे, अनेकों रिश्ते, अनेकों रूप और अनेकों शख्सियत, और उसके साथ साथ बहुत सारी जिम्मेदारियां और सुबह से लेके रात तक की भाग दौड़, और अपने सपनों के पीछे आप भाग भी रहे होंगे। आपका नाम भी है कुछ स्पेसिफिक जिससे आपको लोग बुलाते हैं, ठीक है, इंटरोगेट करते हैं उस नाम से, और आपकी एक अलग छवि भी होगी, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। लेकिन आखिरकार आप हैं कौन? आपकी रियलिटी क्या है? आपकी पर्सनालिटी की रियलिटी क्या है? आखिरकार आपका वास्तविक व्यक्तित्व क्या है? आप वास्तविक में आखिरकार हैं कौन? आप कौन हैं? आज की रीडिंग का टॉपिक है हु एम आई, मैं कौन हूँ। आप सभी लोगों का वेलकम करती हूँ मैं आज के इस ब्यूटीफुल से वीडियो के अंदर। हाय टू ऑल माय ब्यूटीफुल पीपल, आई होप आप सभी लोग बिल्कुल ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। आज के टैरो सेशन का जो टॉपिक है वो होने वाला है हु एम आई, मैं कौन हूँ, और आखिरकार मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ, मेरा व्यक्तित्व क्या है, मेरी वास्तविकता क्या है जिससे आज तक मैं अनभिज्ञ हूँ, कहीं ना कहीं, कहीं ना कहीं, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि हमारे इंट्यूशंस हमें बहुत बार बताने की कोशिश करते हैं और हम हमेशा उनको दबा देते हैं, या मैं कहूँ कि जिम्मेदारियों में और बहुत सारी जो चीज़ें आसपास हमारे चल रही होती हैं उन सब चीज़ों के बीच में कहीं ना कहीं हम अपने मन की आवाज़ को, हमारा जो मन हमसे बार बार कुछ 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 कहता रहता है, हम उसको कहीं ना कहीं दबा देते हैं, और हम इस सोच में पड़ जाते हैं कि जो कुछ भी अभी मैंने सोचा या मेरे मन में आया सब बेफिजूल था, जबकि वो बेफिजूल होता ही नहीं है। आपका मन, आपकी आत्मा और आपकी जो इनर पोटेंशियल है, आपकी जो अंतर मन की ऊर्जा है, वो हमेशा आपसे पूछती रहती है, मैं कौन हूँ, मेरा वास्तविक व्यक्तित्व क्या है, और आखिरकार मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ। अगर आप लोगों के भी मन में इस तरीके के सवाल आते हैं, और इस तरीके के सवालों की वजह से अगर आपका भी बहुत बार मन खराब होता है, आप डिससेटिस्फाइड फील करते हैं, या आपको ऐसा लगता है कि जैसे आप इस पूरी दुनिया में, जहान संसार में अकेले हैं, और कुछ तो है जो इम्पोर्टेंट है आपसे मिस हो रहा है, आज की रीडिंग आपको एक नया रूप देगी, आज की रीडिंग आपको बहुत क्लियर विजन देगी। आज मैं आप लोगों के लिए एक स्प्रेड लगाने वाली हूँ जिसका नाम है सेल्फ अवेकनिंग स्प्रेड। इस सेल्फ अवेकनिंग स्प्रेड के अंदर आप कौन हैं ये तो हम जानेंगे ही जानेंगे, हम ये भी जानेंगे कि आप कहाँ से हो सकते हैं, और अभी आपका यहाँ पर इस डायमेंशन में, इस लाइफ के अंदर डायमेंशन क्या है, डायमेंशन की बात यहाँ पर हो रही है, इस अर्थ की बात हो रही है, ठीक है, इस भूलोक में, इस धरती में आप क्या कर रहे हैं, ठीक है, क्या आप पहले भी यहीं पर ही थे, या आपकी क्या एनर्जीज थी, और अगर नहीं थे तो आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं, ठीक है। तो आज के वीडियो का टॉपिक यही है। आज का वीडियो सिर्फ उसी इंसान को मिलने वाला है जो इस चीज़ को जानने का इच्छुक है कि आखिरकार मैं कौन हूँ, ठीक है। तो अगर आप सिर्फ मज़े मज़े में अचानक से आपने इस रीडिंग को देखा और आपने टैप किया और आप देख रहे हैं और आपको ऐसा लग रहा है कि अरे क्या हो रहा है ये सब, तो मैं ये कहूँगी कि सिर्फ मज़े मज़े में नहीं है, या अगर आप इस वीडियो के टाइटल से या इस वीडियो की एनर्जी से बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्ट हुए हैं और आप इस वीडियो को देखना शुरू कर रहे हैं, तो मैं कहूँगी कि बेफिजूल नहीं है ये चीज़, आपने ऐसे ही नहीं देखा है। ब्रह्मांड की असीम ताकतें और बहुत सारी हिडन मिस्ट्री है जो आपको कहीं ना कहीं ये वीडियो देखने के लिए मजबूर कर रही है। तो ये वीडियो सिर्फ वो ही इंसान देखेंगे जो एक्चुअली में, जिनको एक्चुअली में ब्रह्मांड ने चुना है किसी इम्पोर्टेंट काम के लिए, किसी बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य के लिए, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं और आज की इस ब्यूटीफुल सी रीडिंग के साक्षी बनते हैं। बेसिकली यहाँ पर दो पाइल्स मैंने आप लोगों के लिए रखे हुए हैं। सबसे पहले हम शुरू करेंगे पाइल सिलेक्शन से। आज का जो टैरो सेशन है, कार्ड्स के साथ में और अपनी साइकिक इंट्यूशंस और एबिलिटीज के साथ में आप लोगों के सामने मैं एक रीडिंग प्रस्तुत करूंगी, और उस रीडिंग का टॉपिक क्या है वो मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता दिया है कि आप कौन हैं। आज मैं आप लोगों के लिए निकालूंगी सेल्फ अवेकनिंग स्प्रेड, और यहाँ पर आप लोगों के लिए मैंने दो पाइल्स रखी हुई हैं। दिस इज़ पाइल नंबर 1, दिस इज़ पाइल नंबर 2।
पाइल क्या होता है? पाइल का मतलब होता है ग्रुप या किसी तरीके की कोई एग्जैक्ट टर्म, ठीक है? तो यहाँ पर यह है ग्रुप नंबर 1 और यह है ग्रुप नंबर 2। दो चिन्ह आप लोगों को आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहे होंगे, मैं थोड़ा सा और क्लोजअप से आप लोगों को दिखा देती हूँ। ये देख सकते हैं आप, तो ये है ग्रुप नंबर 1, ठीक है, चिन्ह 1, और यह है ग्रुप नंबर 2, चिन्ह 2। इन चिन्हों का अपना एक महत्व है जो कि आपको रीडिंग के साथ में देखने को मिलेगा। आपने क्या करना है, अपनी साइकिक एबिलिटीज़ को इस्तेमाल करना है। देखिए, पाइल का सिलेक्शन इस तरीके की रीडिंग के अंदर बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड और इजी नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं ये एक साइकिक रीडिंग है, तो आपको भी अपने साइकिक एबिलिटीज़ को इस्तेमाल करते हुए पिक करना है, या तो ये या तो ये, ठीक है? अगर आपने पिक किया है इसको, तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। मैं पूरी आशा और उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों से आज की रीडिंग रेजोनेट होगी। इस वीडियो को आप बहुत सारा भरपूर प्यार दें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को अगर नए हैं तो, और कमेंट में अपना प्यार मुझे देना ना भूलें। और आप शेयर कर सकते हैं अपने किसी नोन से इस वीडियो को, ताकि वो भी इस चीज़ को समझ सकें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये प्यारी सी रीडिंग। हाय टू ऑल माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 1 पीपल। अगर आप लोगों ने इस चिन्ह को चुना था, अगर आपने इस सिंबल को पिक किया था पाइल नंबर 1 पीपल, तो आइए शुरू करते हैं आप लोगों की रीडिंग। देखते हैं कि आखिरकार आप कौन हैं और यहाँ क्या कर रहे हैं, आपका यहाँ पे क्या काम है एग्जैक्टली। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज आप लोगों के लिए मैं डिफरेंट डिफरेंट डेक से, डेक का मतलब क्या होता है आप लोगों को पता ही है, ये छोटी छोटी टर्मिनोलॉजीज के बारे में ना मुझसे बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कमेंट सेक्शन में, इसीलिए मैं आप लोगों को बता रही हूँ। तो डेक का मतलब क्या होता है? डेक का मतलब होता है कार्ड्स, ठीक है, अ ग्रुप ऑफ कार्ड्स। तो यहाँ पर ना ये एक बहुत ही प्यारा सा डेक है, बहुत ही खूबसूरत सा डेक है, ये गिफ्टेड डेक है मेरे पास में, मुझे किसी ने गिफ्ट किया था। और ये डेक बहुत ही खूबसूरत है, स्पेशली पता लगाने के लिए हमारे पास के वूंड्स और पास के वाउस। वाउस का मतलब होता है जो हम बेफिजूल में बैबल करते रहते हैं ना, बहुत सारी चीज़ें, मेरे साथ तो ऐसा होता है, ये होता है, वो होता है, अपने आप को कोसना, बेफिजूल की जो बैबलिंग हम करते रहते हैं वो आकाशा में रिकॉर्ड हो जाती है। अब हम बताएंगे कि आकाशा क्या होती है। आकाशा एक तरीके की एक ऐसी किताब है जो हमारे हर चीज़ को बहुत ही बारीकी के साथ लिख रही है। अभी जो मैं आप लोगों से ये वीडियो शेयर कर रही हूँ, जो मैं बात बोल रही हूँ ना, ये भी वहाँ पर रिकॉर्ड हो रही है, ठीक है? आप हर पल, आप अगर कोई किसी को गाली भी देते हैं ना, तो भी आकाशा के अंदर रिकॉर्ड हो जाता है, ठीक है? इसलिए बोला जाता है कि आप जो बोल रहे हो ना, वो भी एक कर्म है, इसलिए सोच समझ के कर्म करें, सोच समझ के बोलें। इसलिए पुराने ज़माने में जितने भी लोग हुआ करते थे ना, जितने भी लोग हुआ करते थे, वो बोला करते थे कि पहले तोलो और फिर बोलो, ठीक है? तो ये कहावत इसीलिए है। बॉटम ऑफ द डेक है यहाँ पर द डाइट, ओके। चलिए और कार्ड्स निकाल लेते हैं। मैंने सोचा है आज मैं सारे के सारे कार्ड्स निकाल लेती हूँ, उसके बाद आप लोगों को एक एक करके सारी चीजें अच्छे से बताऊं। मैं पाइल नंबर 1 पीपल में ऊर्जा से भरे हुए लोगों को महसूस कर पा रही हूँ। ऊर्जा से भरे हुए लोग, बहुत ही ज़्यादा पैशनेट लोग, लेकिन कुछ ऐसे लोग जो अपने जीवन में अकेले हैं और अपने आप को अधूरा महसूस करते हैं। अकेले हैं और अपने जीवन में अपने आप को अधूरा महसूस करते हैं। आप इस चीज़ की व्याख्या को समझ सकते हैं, आई थिंक सो। जैसे कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका परिवार भी होता है, उनके आसपास बहुत सारे लोग भी होते हैं, लेकिन फिर भी वो अपने आप को अकेला महसूस करते हैं। ऐसा इसलिए नहीं है कि उनको कोई प्यार नहीं करता है, लेकिन ऐसा इसलिए ज़्यादातर केसेस में क्योंकि वो उनकी बातों को कोई एग्जैक्टली नहीं समझ पाता है, और फिर वो अपने मन की बातों को सिर्फ और सिर्फ अपने मन में रखना शुरू कर देते हैं, और इस तरीके से लोग भीड़ के अंदर भी अकेले हो जाते हैं। और अब हम विजडम से चेक कर लेते हैं कार्ड्स।
बाकी गाइडेंस हम थोड़ी देर बाद चेक करेंगे, ठीक है। और जहाँ पर भी मुझे लगा कि मुझे और टैरो डेक्स इस्तेमाल करने चाहिए, वहाँ पर मैं डेफिनेटली करने वाली हूँ। चलिए तो अब शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मैंने 3-4 डेक्स हैं आप लोगों के लिए कार्ड्स निकाले हैं। आइए देखते हैं क्या क्या है आप लोगों के लिए। पहला कार्ड है यहाँ पर इंसेनिटी, इंसेनिटी, ओके। दूसरा कार्ड है यहाँ पर द वाइल्ड वेस्ट। तीसरा कार्ड है यहाँ पर द ट्रुथ सीकर, द ट्रुथ सीकर, ओके। इसको ना मैं यहाँ रख देती हूँ, ठीक है, ट्रुथ सीकर। और चौथा कार्ड है हमारे पास द रिवॉल्यूशन, ओके, आई गॉट इट। इस कार्ड से सारी मिस्ट्री सॉल्व, ठीक है। यहाँ क्या है, द चेंज, अ फूल, ड्रीम एंड द इनर वॉइस, इनको भी रख देती हूँ यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर क्या कार्ड्स है, सेवन ऑफ कप्स, एट ऑफ पेंटिकल्स, टू ऑफ पेंटिकल्स एंड द जस्टिस, ठीक है। आई होप आपने सारे कार्ड अच्छे से देखे हैं, जस्टिस, सेवन ऑफ कप्स, एट ऑफ पेंटिकल्स, टू ऑफ पेंटिकल्स, आई होप आपने सारे कार्ड अच्छे से देख लिए हैं। तो शुरू करें बिना किसी देरी के, चलिए शुरू करते हैं। ओके, तो सबसे पहली चीज़ तो मैं यहाँ पर बोलूँगी कि अच्छा ये कार्ड और दिखा देती हूँ, हैप्पी हैप्पी, कम्युनिटी, द लेग अप एंड यिन की एनर्जी, ओके। चलिए अब मैं आपको ना आपकी सारी चीज़ों के बारे में बताती हूँ, और इसमें हमारी मदद करेगी ये प्यारी सी पर्पल वॉन्ड, और इससे मैं पॉइंट कर पाऊँगी और आपको समझा पाऊँगी एग्जैक्टली। बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं आखिरकार ये है क्या, तो ये एक्चुअली में तो पेन है, बट ये बहुत ही खूबसूरत वॉन्ड्स की तरह है, तो आई जस्ट लव इसका, ये बहुत क्यूट सी है, ठीक है। एनीवेज चलिए अब शुरू करते हैं आप लोगों के लिए। तो आज मैंने आप लोगों को एक छोटी से छोटी डिटेल्स के साथ समझाने की कोशिश कर रही हूँ मैं, क्योंकि आप लोग मुझसे ये छोटी छोटी डिटेल्स पूछते हैं इसलिए। तो सबसे पहला हमारा सवाल था कि मैं कौन हूँ, हु एम आई एक्चुअली मैं, है ना, आप कौन हैं। इस सवाल का जवाब बहुत ही साधारण और बहुत ही क्लियर है इस कार्ड को देखने के बाद। आप एक ऐसे रिवॉल्यूशनरी पर्सन हैं जो हर युग में बार 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 अपने आते हैं और किसी तरीके का एक स्ट्रॉन्ग रिवॉल्यूशन लेकर आते हैं। नहीं समझे, समझाती हूँ। आप लोगों की जो एनर्जीज है ना, वो इसी डायमेंशन की है। मुझे नहीं लगता कि आप पास्ट में किसी दूसरे डायमेंशन में रहे हैं, नहीं। जब हम अपना सोल पर्पस कलेक्ट करके इस धरती पर या इसी धरती जैसे दिखने वाले किसी दूसरे डायमेंशंस में जाते हैं ना, तो हमारे साथ सिचुएशन क्या बनती है मैं आपको बताती हूँ कि हम यहाँ पर आकर के ना यहाँ की आबो हवा में, यहाँ की चीज़ों के अंदर कहीं ना कहीं खो जाते हैं और अपने उस स्ट्रॉन्ग सोल पर्पस को भूल जाते हैं जिसको करने के लिए हम एक्चुअली में यहाँ पर आए थे। हम पैसे की दौड़ धूप, ये तेरा ये मेरा और इन सब चीज़ों में लग जाते हैं, लेकिन हम भूल जाते हैं कि एग्जैक्टली हम कौन हैं। तो यहाँ पर आंसर है बहुत ही क्लियर, आप लोगों का जो सोल पर्पज़ है पाइल नंबर वन पीपल, वो है लोगों को एक नई दिशा देना, ठीक है। अब वो आप किसी भी प्रकार से दे सकते हो, अपने वाक चातुर्य से, ठीक है, या अपने किसी तरीके के एफर्ट से। वाक चातुर्य का मतलब होता है अपने बोलने के लहजे से या अपने बोलने की एनर्जी से। किसी भी तरीके से आप लोगों को ना एक स्ट्रांग ऊर्जा देते हैं, एक न्यू लाइफ देते हैं, एक न्यू एरा देते हैं, ठीक है। और आपका जो ये काम है ना, ये काफ़ी टाइम से चला रहा है, काफ़ी सदियों से चला रहा है। आप यहाँ पर देख सकते हैं रिवॉल्यूशन का कार्ड है, ट्रूथ सीकर का कार्ड है, वाइल्ड वेस्ट का कार्ड है और इंसेनिटी का कार्ड है। यानी कि आपके साथ हर जन्म में, हर जन्म में एक सोल पर्पस स्ट्रांगली लगा रहता है, और वो क्या है, लोगों को एक नई दिशा देना। जितने भी क्रांतिकारी होते हैं, आप समझ के देखो, जितने भी क्रांतिकारी होते हैं उन लोगों का एक स्ट्रांग मोटिव होता है एक ऐसा रिवॉल्यूशन, एक ऐसा चेंज लेकर आना जिस चेंज की वजह से दुनिया का विकास हो सके, या मेरे जो लोग हैं उनका विकास हो सके।
मैं यहाँ पर क्या एनर्जी देख रही हूँ पाइल नंबर वन पीपल, कि आप लोगों ने ना पास्ट में भी बहुत सारे छोटे बड़े रिवोल्यूशंस के अंदर पार्टिसिपेट किया है और आपने लोगों की सोच को बदला है। हो सकता है प्रेजेंट लाइफ में आप लोगों के साथ ये सिचुएशन होती हो कि कोई भी जब किसी के साथ गलत कर रहा होता है तो आपसे बर्दाश्त नहीं होता। वी हैव अ कार्ड ऑफ जस्टिस हियर, आपसे बर्दाश्त नहीं होता। आप तुरंत से, चाहे आप जानते हो स्ट्रेंजर को या नहीं जानते हो, जो भी आपका रिश्ता हो उससे, आप तुरंत पहुंच जाते हैं उसकी देखभाल और उसकी रखवाली और सब करने के लिए। ठीक है, आप लोगों की ये एनर्जीज रहती हैं समहाउ। आपको नहीं पसंद होता बेफिजूल के जो ये थोपते हैं ना भाव, बेफिजूल के जो भाव थोपे जाते हैं लोगों के ऊपर, महिलाओं के ऊपर, बच्चों के ऊपर, जानवरों के ऊपर। ठीक है, इन सब चीज़ों से कहीं ना कहीं आप परहेज करते हैं। आप एकदम है ना, मतलब ऐसी एनर्जी में आ जाते हैं कि मुझे नहीं पसंद और ना मैं गलत होने दूंगी या होने दूंगा, इस एनर्जी में आप आ जाते हैं। तो बेसिकली पास्ट में भी आपने बहुत सारे छोटे बड़े रिवोल्यूशंस के अंदर पार्टिसिपेट किया है और आपने लोगों के जिंदगियों में, लोगों के जीवन में आपने एक तरीके का बड़ा बदलाव क्रिएट किया है। इंसैनिटी का कार्ड है यहाँ पर। हो सकता है बहुत बार आपने वुमेन्स के लिए जो है आवाज़ उठाई है, बहुत जन्मों में आपने एनिमल्स के लिए आवाज़ उठाई है, बहुत जन्मों में आपने कहीं ना कहीं डिफरेंट डिफरेंट क्राइटेरिया के लोगों के लिए आवाज़ उठाई है। और आपको पता है प्रेजेंट लाइफ में आपको आवाज़ किसके लिए उठानी है? प्रेजेंट लाइफ में आपको अपने लिए आवाज़ उठानी है। मैं आपको कार्ड्स दिखाती हूँ यहाँ पर, देखें। इनर वॉइस का कार्ड है यहाँ पर, ठीक है, द ड्रीम का कार्ड है यहाँ पर, द फूल का कार्ड है यहाँ पर और चेंज का कार्ड है यहाँ पर। आपने बहुत बार रिवोल्यूशंस क्रिएट कर करके अपने जीवन में, लोगों के जीवन में बदलाव किए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपने अपने सपनों को ना, अपने ड्रीम्स को, अपने सपनों को, आई डोंट नो व्हाई मेरे आंखों में पानी आ रहा है अभी, तो आपने बहुत बार ना अपने सपनों को कहीं ना कहीं खोया है। ठीक है, आपने अपने सपनों को कहीं ना कहीं हमेशा निचोड़ के साइड में फेंक दिया है। कभी भी आप उस एनर्जी के अंदर नहीं आ पाए, आप अपने जिम्मेदारियों की वजह से, अपने अपने कर्तव्यों की वजह से, है ना, कि तो मेरा फ़र्ज़ बनता है, मेरा कर्तव्य बनता है, इन सब चीज़ों की वजह से कभी भी आपने अपने सपनों को तरजीह नहीं दी, आपने कभी भी अपने सपनों को इम्पोर्टेंस नहीं दिया, आपने अपने दिल की आवाज़ को नहीं सुना। इस जन्म में आपका स्ट्रांग लाइफ पर्पज़ है, लाइफ पर्पज़ है अपने लिए आवाज़ उठाना। आपको पता है जब भी हम किसी चीज़ के लिए आवाज़ उठाते हैं ना, लोग हमसे, आसपास के लोग हमसे इंस्पायर्ड होते हैं। ठीक है, और जैसे जैसे लोग हमसे इंस्पायर्ड होते हैं, वो हमसे कुछ ना कुछ अच्छा सीखते हैं। आपको एक चीज़ बताती हूँ, आज आप, आपका जैसा भी व्यक्तित्व है ना, जैसा भी व्यक्तित्व है, आप चाहे एक बहुत ही ज़्यादा नॉलेजेबल फील्ड में रहते हैं या नहीं रहते हैं, वट एवर द सिचुएशन यू आर हैविंग राइट नाउ इन योर लाइफ, लोग आपसे कुछ ना कुछ सीखते ही हैं। हो सकता है आपके भाई बहन या हो सकता है आपके बच्चे, लेकिन वो आपसे कुछ ना कुछ सीखते ही हैं। अब पास्ट में जब आप ऐसे रिवॉल्यूशन, आप क्रांतिकारी रहे, आपने इतना सब कुछ क्रिएट किया, और प्रेजेंट लाइफ में अगर आप अपने लिए नहीं बोलेंगे, मुझे ऐसे भी फीलिंग आ रही है यहाँ पर, जैसे कि बहुत सारे केसेस के अंदर ना आपको दबाया जाता है। एट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। आप भर भर के मेहनत करते हैं और आपको हमेशा दबाया जाता है, आपको हमेशा निचोड़ा जाता है। ठीक है, तो अगर आप अपने लिए आवाज़ नहीं उठाएंगे ना, तो लोग आपसे कुछ अच्छा नहीं सीखेंगे और आपका जो सोल पर्पज़ है वो पॉजिटिवली पूरा नहीं हो पाएगा। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। और अगर आपका सोल पर्पज़ पॉजिटिवली पूरा नहीं हो पाएगा, तो आप अपने जीवन में ना एक तरीके की कमी को महसूस करेंगे। और वो कमी क्या होगी? वो कमी होगी कि एक सेटिस्फेक्शन नहीं है मेरे जीवन में। अपने दिल की आवाज़ को सुन के, अपने सपनों के लिए एक्शन लेने की ज़रूरत है, तभी आप एक स्ट्रांग रिवोल्यूशन क्रिएट कर पाएंगे अपनी लाइफ में, और आपके आसपास के जो लोग हैं आपसे इंस्पायर्ड होंगे। तो अगर हम पहले क्वेश्चन का जवाब ढूंढें कि आप कौन हैं, तो आप एक ऐसे ह्यूमन रहे हैं जिसका जन्म या जिसका आना इस धरती पर इसलिए हुआ है ताकि आप लोगों के जीवन में रिवोल्यूशंस लेकर आ सकें। आप एक क्रांतिकारी रहे हैं, आप हर जन्म में किसी न किसी क्रांति के अंदर भाग लेते रहे हैं, पार्टिसिपेट करते रहे हैं किसी न किसी रिवोल्यूशन में, और आपने बहुत सारे लोगों को इंस्पायर्ड किया है अपनी एनर्जी से। ठीक है, अब अगर हम बात करें कि आपका सोल पर्पज़ क्या है, आपका सोल पर्पज़ ये है लोगों को इंस्पायर्ड करना, लोगों के जीवन में बदलाव लेके आना। अब हम अगर बात करें कि प्रेजेंट लाइफ में आपका लाइफ पर्पज़ क्या है, प्रेजेंट लाइफ में आपका लाइफ पर्पज़ है अपने लिए आवाज़ उठाना, ताकि आपके आसपास के जो लोग हैं वो आपसे इंस्पायर्ड होकर के अपने लिए आवाज़ उठाना जाने। ठीक है,
तो अगर आप ऐसा करते हैं तो आपकी एनर्जीज क्या होगी? आप एक ग्रुप ऑफ पीपल को, कम्युनिटी का कार्ड है, अ ग्रुप ऑफ पीपल को आप ये सिखा पाएंगे। एग्जैक्टली। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप एक ग्रुप ऑफ पीपल को ये सिखा पाएंगे कि आपके अंतर्मन की ऊर्जा से आप अपने आप को कितना कुछ दे सकते हैं। इस चीज़ को याद रखिएगा। तो आप कौन हैं ये मैंने आपको बताया, आपका इस जन्म में पर्पस क्या है वो भी मैंने आपको बताया, पास्ट लाइफ की सफरिंग्स को मैंने आपको बताया, और हो सकता है इसीलिए आप एक नेगेटिविटी महसूस करते हैं, आप जस्टिस फील नहीं करते हैं, इसलिए हो सकता है आप एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं। ठीक है, पाइल नंबर वन पीपल। एक चीज़ मैं आपको और कहूँगी, अगर आप अपने लिए आवाज़ नहीं उठा पाएंगे, ठीक है, अगर आप अपने लिए कभी आवाज़ नहीं उठा पाएंगे, अगर आप अपने लिए कभी भी एक लेग अप नहीं कर पाएंगे, तो आप अपने जीवन में ना कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही महत्वपूर्ण खो देंगे। क्योंकि हर जीवन में हम कुछ ना कुछ नया सीखते हैं जो हमारे सोल ग्रोथ के लिए इम्पोर्टेंट होता है। आप उस चीज़ को नहीं सीख पाएंगे, उस चीज़ की एनर्जी को आप कभी भी क्रिएट नहीं कर पाएंगे। अब यहाँ पर मैं आप लोगों को एक एडवाइस बताती हूँ, कितनी क्लियर एडवाइस आई है, देखिए सुनिएगा, बहुत गौर से सुनिएगा। आप एक ऐसे इंसान हैं जिसके अंदर माँ लक्ष्मी का भी वास है, जिसके अंदर माँ काली का भी वास है, ठीक है, और आप एक ऐसे इंसान हैं जिसको कहीं ना कहीं कौन प्रोटेक्ट कर रहा है, कौन प्रोटेक्ट कर रहा है, यूनिवर्सल स्ट्रॉन्ग स्पिरिट, हमारे परम पिता जी। यानी कि आप सौम्यता से भरे हुए संपन्न एनर्जी में भी हो सकते हैं और आप एक स्ट्रॉन्ग डिस्ट्रॉयर भी हो सकते हैं। ये आपके अंतर मन की सारी एनर्जी है जो यहाँ पर शो हो रही है, ठीक है, सौम्यता से भरपूर और एक क्रोध की स्ट्रॉन्ग एनर्जी जो कि बहुत सारे दीपों को भी प्रज्वलित कर सकती है, तो बहुत सारे दीपों को डिस्ट्रॉय भी कर सकती है, और परमात्मा सदा आपके साथ है। आज आप इस रीडिंग को देख रहे हो ना, तो कहीं ना कहीं परमात्मा ही चाहते थे कहीं ना कहीं कि आप इस रीडिंग को देखें और आप इस चीज़ से समझ सकें। हो सकता है आपको हमेशा दबाया जाता है, आपकी आवाज़ को नहीं सुना जाता है, आपको इतनी इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती है, ठीक है, लेकिन अब समय है कि आप अपने लिए आवाज़ उठाएं। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हो सकते हैं जिनको नो बोलना नहीं आता, नहीं बोलना नहीं आता, लोग उनके सामानों का इस्तेमाल करते हैं, लोग उनकी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, उनसे काम करवाते हैं, उनका उपयोग करते हैं, भोग करते हैं। तो मैं यहाँ पर आपको बोलूँगी समझें इस बात को। अब मैं इसको और मज़ीद क्या इतना स्ट्रांगली स्ट्रेच करूँ, आई होप आप इस चीज़ को समझ पाए होंगे। यहाँ पर एडवाइजर, थिंक ऑन योर फीट, अपने पैरों पे खड़े होकर के समझने सोचने की कोशिश करो, आपको समझ आ जाएगा। ओपन टू इन्फिनिटी पॉसिबिलिटी, और जैसे ही आप ऐसा करना शुरू करेंगे आप देखेंगे कि आपके आसपास कितनी ही पॉजिटिव पॉसिबिलिटीज क्रिएट हो गई हैं। एंड नेक्स्ट है यहाँ पर टेक अ लीड, टेक द लीड। अब इससे ज़्यादा और क्या आपको क्लियर गाइडेंस मिलेगी बताइए मुझे। आपके जीवन में अगर हर कोई आपके आसपास रहने वाले लोग ही हमेशा फैसले करते रहते हैं, तो आपको बोला जा रहा है टेक द लीड, ये ज़िंदगी आपकी है, ठीक है, इसके लिए आपको ही आगे बढ़ना होगा। अगर आप आगे नहीं बढ़ेंगे, अगर आप आगे के लिए नहीं सीखेंगे, तो समझ जाइएगा कि आपका ये जीवन हो गया वेस्ट, ठीक है। इसलिए आपने इस सिंबल को पिक किया था, इस सिंबल की ऊर्जा ही यही है। खुद को पहचानो, पहले खुद को पहचानो, अपनी रूट से खुद को पहचानो, और पहचानने के बाद में उस ऑरा को, उस लाइट को सब तरफ फैला दो, चारों दिशाओं में। फोर एरोज फोर एनर्जीज को शो कर रहे हैं, ठीक है। तो अब भी अगर आपको समझ ना आए तो ये बहुत ही बड़ी बेवकूफ़ी हो जाएगी जीवन की, इस चीज़ को समझें और आगे बढ़ें। आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी आज की रीडिंग, आपके बहुत सारे डाउट्स क्लियर हुए होंगे। अगर हुए हैं तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू दिस चैनल, और किसी भी तरीके की पर्सनल पेड रीडिंग्स के लिए आप लोग मुझे मेल कर सकते हैं मेरी मेल आईडी के ऊपर। जल्दी मिलेंगे एक और नई रीडिंग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और लीड लें अपने लिए, अपने लिए आवाज़ उठाएं। लव यू ऑल। हाय टू ऑल माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर टू पीपल, कैसे हैं आप सब लोग? आप सभी लोगों का बहुत सारा वाला वेलकम है आज की इस रीडिंग के अंदर।
तो आज हम क्या पता कर रहे हैं, आज हम पता कर रहे हैं कि मैं कौन हूँ। अगर आपने आज के इस वीडियो का इंट्रो नहीं देखा है, नहीं समझने की कोशिश करिए, तो मैं कहूँगी कि आप कभी भी एक सही पाइल का चयन नहीं कर पाएंगे। इसलिए आप जाएं, अगर आपने इंट्रो अच्छे से नहीं देखा है तो पहले इंट्रो देखें, उसके बाद में इस रीडिंग को देखने की कोशिश करें। तो आज हम जो पता कर रहे हैं वो है कि आखिरकार आप कौन हैं, हु एम आई, मैं कौन हूँ, और आप इस धरती पर क्या कर रहे हैं। क्या आप इसी डायमेंशन से बिलोंग करते हैं या फिर आप किसी दूसरे डायमेंशन के हैं, या अगर आप यहीं के ही हैं तो आप कौन हैं, क्या है, ईच एंड एवरी थिंग, एक एक सिंगल पॉइंट और एक एक सिंगल सीक्रेट के ऊपर से पर्दा उठाने की पूरी कोशिश करूँगी मैं कि आखिरकार आप है कौन। ये वीडियो सिर्फ उसी इंसान के पास जाएगी जो इंसान एक्चुअली में ये जानना चाहता है, या उसके आसपास के रहने वाली जो दिव्य ताकतें हैं उसे बताना चाहती हैं। आइए देखते हैं। ठीक है, तो आज मैं बहुत सारे डेक्स का इस्तेमाल करूँगी। आप में से बहुत सारे लोग पूछते हैं डेक क्या होता है, तो मैं बता देना चाहती हूँ। डेक का मतलब होता है ग्रुप ऑफ कार्ड्स, ठीक है, ग्रुप ऑफ कार्ड्स। वन टू थ्री फोर, वन टू थ्री फोर। बॉटम ऑफ द डेक है यहाँ पर द टेम्परेंस, और कहीं पर भी अगर हम अटकेंगे ना तो हम थोड़े से कार्ड्स और निकाल के देखेंगे, ठीक है। कहीं पर भी अगर हमें ऐसा लगा कि वी नीड सम मोर कार्ड्स, तो हम वहाँ पे और कार्ड्स निकालेंगे। चलिए, तो पाइल नंबर टू पीपल शुरू करते हैं। अब मैं आपको कार्ड्स दिखा देती हूँ, सबसे पहले क्या क्या आया है। यहाँ पर है एडिक्शन, फिर है अकम्प्लिशमेंट, देन है यहाँ पर द वॉर, देन वी हैव द राइज ऑफ सिविलाइजेशन, समझ गए मैं कौन हूँ आप, एंड ब्रेन वॉशिंग। यहाँ पर एक कार्ड एक्स्ट्रा निकला है ब्रेन वॉशिंग का, अपने आप ही निकला है, मैंने नहीं निकाला है। सक्सेस, स्लोइंग डाउन, कंपेरिजन एंड वी आर द वर्ल्ड। ठीक है, यहाँ पर है द स्टार, फाइव ऑफ वॉन्ड्स, नाइन ऑफ वॉन्ड्स एंड फोर ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, और यहां पर है हमारे पास द थिंकर, बिटवीन द वर्ल्ड्स। अब मैं और स्ट्रांगली समझ गई हूँ, डीप नोइंग एंड नेवर एंडिंग स्टोरी। ओके, चलो जी शुरू करें, शुरू करते हैं और देखते हैं। गाइडेंस हम थोड़ी देर बाद चेक करेंगे, तब तक रीडिंग को शुरू करते हैं। ओके, तो आज का हमारा सबसे बड़ा सवाल क्या है, हमारा टारगेटेड क्वेश्चन क्या है कि आप कौन हैं, है ना, और आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं, इस डायमेंशन में आप क्या कर रहे हैं। तो पहली चीज़ मैं यहाँ पर क्या देख रही हूँ ना, लदे हुए कपड़े, एकदम भर भर के लदे हुए कपड़े, और एक इस तरीके की एक ऐसी सिविलाइजेशन जिसके लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है, ठीक है, एक इस तरीके की सिविलाइजेशन जिसके लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है, किसी भी तरीके का कुछ भी नामुमकिन नहीं है, और जहाँ पर बहुत सारी हैप्पी ऊर्जा, हैप्पी एनर्जीज और बहुत ही सारी क्रिएटिव आइडियाज़ का इस्तेमाल होता है, लेकिन वहाँ पर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनकी वजह से आपको एक स्ट्रॉन्ग एडिक्शन होता है,
ठीक है, और आप नेगेटिविटी में इंडल्ज होकर के वहाँ से, या तो उस सिविलाइजेशन का ही अंत हो जाता है जिसकी वजह से जितने भी उस सिविलाइजेशन के लोग हैं सबके सब इधर उधर हो जाते हैं, या फिर पर्टिकुलरली आप जो हैं उस सिविलाइजेशन से निष्कासित कर दिए जाते हैं आपकी खुद की कुछ हरकतों की वजह से, ठीक है। या तो ये सिविलाइजेशन किसी अर्थ के डायमेंशन की ही सिविलाइजेशन रही है, आपको पता है ना हमारे वर्ल्ड में ऐसी बहुत सारी सिविलाइजेशंस हैं जिनके सिर्फ अवशेष रह गए हैं, लेकिन रियलिटी में वो सिविलाइजेशंस बिल्कुल ख़त्म हो गई हैं, मतलब बिल्कुल ख़त्म जिसे हम बोलते हैं। कौन कौन से सिविलाइजेशंस हैं? अटलांटिस, हड़प्पा, ठीक है, इजिप्ट, और भी बहुत सारी ऐसी सिविलाइजेशंस हैं जिनके मुझे नाम याद नहीं आ रहे हैं, लेकिन ये स्पेशली जो मैं यहाँ पर फील कर रही हूँ राइज ऑफ सिविलाइजेशन वॉर एंड ब्रेन वॉशिंग के हिसाब से, दिस इज़ व्हाट आई एम गेटिंग, कि आप किसी ऐसे सिविलाइजेशन से बिलोंग करते रहे हैं पास्ट में जो या तो हो सकता है अर्थ की ही हो लेकिन अब उसका कोई नामो निशान नहीं है, या फिर आप किसी 4D वर्ल्ड की, 4D वर्ल्ड कौन सा हो गया, ये जिसमें हम रह रहे हैं वो 3D डायमेंशन है, ठीक है, 4D हो गया हमसे एक अबोव एनर्जी, ठीक है जी। तो मैं यहाँ पर आपको बोलूँगी कि हो सकता है कि हम जो है, आप जो है 4D वर्ल्ड से बिलोंग करते हो, आपको पता है बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट रिलम्स हैं, रिलम्स का मतलब होता है बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस हैं, फर्स्ट अलग है, सेकेंड अलग है, थर्ड अलग है, फोर्थ अलग है, नीचे से ऊपर की ओर चलती हैं रिलम्स हमेशा, ठीक है। रिलम्स का मतलब होता है स्टेज ऑफ लाइफ, इस तरीके से आप समझ सकते हैं, ठीक है। तो हम जिसमें रह रहे हैं वो कौन है? 3D, 3D रिलम में रहते हैं हम लोग, थर्ड डायमेंशन में रहते हैं हम, ठीक है। और ये जो सिविलाइजेशन की बात हो रही है, या तो आप इसी अर्थ के किसी लॉस्ट सिविलाइजेशन का पार्ट रहे हैं पास्ट में, या फिर आप किसी फोर्थ डायमेंशन, आप किसी 4D की जगह की किसी तरीके की सिविलाइजेशन का पार्ट रहे हैं। बट आपको पता है आधी से ज़्यादा जितनी भी सिविलाइजेशन रही हैं उनका अंत कैसे कैसे हुआ, किसी का किसी डिज़ास्टर की वजह से, किसी का किसी डिज़ास्टर की वजह से, राइट। और स्पेशली ये चीज़ क्यों हुई, जब उनके लाइफ के अंदर भोग विलासहीनता, नेगेटिविटी, फ्रस्ट्रेशन ये ज़्यादा होने लग गया, ठीक है जी। तो उस सिविलाइजेशन का अंत किसी ना किसी तरीके से हो गया। जैसे अगर हम द्वारका की बात करें, अगर हम द्वारका की बात करें, एक एग्जाम्पल दे के समझाती हूँ, तो द्वारका के अंदर ऑब्वियसली बात है कि जो गांधारी थी उनका श्राप लगा था, है ना, कृष्णा को, तो जो जो द्वारिका थी ना उसका अंत तो ऑब्वियसली बात है जब बनी थी उसके आसपास ही लिख दिया गया था, ये रियलिटी है। अब वहाँ से जो जो सिविलाइजेशन रही आज भी उसके कहीं ना कहीं प्रमाण है, उसी तरीके की सिविलाइजेशन के आप पार्ट रहे हैं पास्ट में, जो कि बहुत एडवांस रही है, बहुत ही डिफरेंट रही है, जिसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट तरीके के लोग रहे हैं, लेकिन उनका अंत क्यों हुआ, उन्हीं की नेगेटिविटी और उन्हीं के स्वार्थ और उन्हीं के एडिक्शंस की वजह से, इसलिए यहाँ पर एडिक्शन का कार्ड है, ठीक है। अब मैंने आपको ये तो बता दिया कि आप कहाँ से बिलोंग करते थे, किसी लॉस्ट सिविलाइजेशन से आप लोगों के ताल्लुक है, ठीक है। ये लॉस्ट सिविलाइजेशन या तो 3D की है या 4D की है, नाउ इट्स टोटली ओके। अब मैं बात करती हूँ आपकी कि आपका एक स्ट्रांग मोटिव या आपका एक स्ट्रांग सोल पर्पस क्या है, क्या है आपका स्ट्रांग सोल पर्पस? आपका स्ट्रांग सोल पर्पस है लोगों की अवेकनिंग, ठीक है, लोगों को बढ़ाना, लोगों को बढ़ोतरी देना। पाइल नंबर 2 पीपल, आप लोगों के अंदर वाक चातुर्य बहुत होगा। वाक चातुर्य का मतलब है आपकी बातों में, आपकी बोली में ना एक अलग ही प्रकार की शक्ति है, और वो कुछ इस प्रकार की शक्ति है कि आप बहुत इजीली ना लोगों को मॉडिफाई कर सकते हैं, आप बहुत ही इजीली लोगों को कन्विंस कर पाते हैं, ठीक है, दिस इज़ व्हाट आई एम गेटिंग। आप बहुत इजीली लोगों को घुमा देते हैं अपनी बातों की वजह से। तो अगर आप अपने इस वाक चातुर्य का उपयोग करें किसी की ज़िंदगी को सही करने के लिए, तो क्या ये गलत है? मुझे तो नहीं लगता। अगर आपका थ्रॉट चक्रा इतना इतना सही तरीके से काम कर रहा है कि आप किसी भी इंसान का ब्रेन वॉश कर सकते हैं और उसको एक नई एनर्जी में आप कहीं पर फिट कर सकते हैं, उस पर्टिकुलर पर्सन को आप एक नई ऊर्जा से अगर भर सकते हैं, तो व्हाई नॉट, क्यों नहीं। आप लोगों को
आप लोगों को यहाँ पर इसलिए आपको भेजा गया है, पाइल नंबर टू पीपल, जितने भी लोग हैं आप जो भी इस रीडिंग को देख रहा है, आपको इस दुनिया में इसलिए भेजा गया है ताकि आप अपने वाक् चातुर्य के हिसाब से लोगों को सही दिशा दिखा सकें, लोगों को सही गलत का उपयोग करना, सही गलत की एनर्जीज आप जो है लोगों को बता सकें। वी हैव अ कार्ड ऑफ थिंकर, लेकिन आप किस ऊर्जा में हैं? आप तो भाई अपनी ही परेशानियों में, परिस्थितियों में गुमे हुए हैं। आप अपने जीवन की किसी नेवर एंडिंग स्टोरी के पार्ट में घुसे हुए हैं, गुमे हुए हैं और आप निकल नहीं पा रहे हैं, जबकि आपको कहीं ना कहीं अंतर मन से पता है कि आपका जन्म इस धरती पर इन सब कामों के लिए नहीं हुआ है। यू आर समथिंग सो स्पेशल, यू हैविंग समथिंग सो स्पेशल बिटवीन द वर्ल्ड का कार्ड है। इसलिए आप ना दो संसारों के बीच में बटे हुए हैं, ना आप 3D के ही प्रॉपर तरीके से रह पाते हैं, ना आप 4D के ही प्रॉपर तरीके से रह पाते हैं, कहीं ना कहीं आप बीच में फंसे हुए हैं। और ये जो चीज़ हो सकता है आप में से कुछ लोगों को असंतुष्टता महसूस होती हो, डिससेटिस्फेक्शन फील होता हो, अकेलापन फील होता हो, भीड़ में भी खड़े होकर के आपको अकेलापन महसूस होता हो, आपको ऐसा लगता हो जैसे कि कुछ तो मिसिंग है जीवन में, कुछ तो सही नहीं है, कुछ तो है जो मैं कर नहीं पा रही हूँ या मैं कर नहीं पा रहा हूँ, वो सब क्या है? कार्ड नंबर 3 है यहाँ पर, दैट मीन्स यू नीड टू बैलेंस योर बॉडी माइंड एंड सोल। और वो चीज़ कब होगी? जब आप लोगों को कन्वेंस कर पाएंगे इजिली फॉर देयर वेलनेस, फॉर देयर वेलफेयर। ठीक है, यहाँ देखिए क्या कार्ड्स हैं। आपको किसी ऐसे फील्ड में जाना चाहिए, पाइल नंबर टू पीपल, जहाँ पर आपकी साइकिक एबिलिटीज़ का इस्तेमाल हो भर भर के। क्योंकि यहाँ पर अगर आप इस सिंबल को देखेंगे तो यहाँ पर आई बनी हुई है नीचे, आई होप सो आपको दिख रहा है। इस आई की एनर्जी क्या है? ये थर्ड आई है, ठीक है। इसकी एनर्जी, अगर आप अपने पोटेंशियल को समझें, आप ऐसे बहुत सारे लोग हीलर्स हो सकते हैं, टैरो रीडर्स, रेकी हीलर्स, मास्टर्स, प्रैनिक करने वाले, ठीक है। तो आपको बोला जा रहा है कि अगर आप अपनी इस असीमित पॉजिटिव ताकत को, अपनी साइकिक एबिलिटीज़ को अगर इस्तेमाल करते हैं तो आप जीवन में वो क्रिएट कर पाएंगे जो आज तक कभी किसी ने क्रिएट नहीं किया, ठीक है। एक ह्यूज अमाउंट ऑफ सक्सेस, ठीक है। लोग आपको कंपेयर करेंगे दूसरों से, ठीक है, और आप अपनी इस एनर्जी को इतना स्ट्रांगली देख पाएंगे कि आप समझ पाएंगे कि आपका तो जन्म ही इस चीज़ के लिए हुआ है। तो आपका जन्म हुआ है यहाँ पर, आप आए यहाँ पर इसलिए ताकि आप अपने जितने भी पास्ट लाइफ के नेगेटिव कर्माज हैं उनको ख़त्म कर सकें, और सबसे महत्वपूर्ण, लोगों को कन्वेंस कर सकें अपने वाक् चातुर्य से, अपनी भाषा से, अपनी बोली से, अपने वर्ड से। आपके पास मेरा बहुत सारे इंस्पायरिंग वर्ड्स हैं, ठीक है। अपने वर्ड से ना आप लोगों का ब्रेन वॉश कर सकें और लोगों को एक नई दिशा दिखा सकें, लोगों को एक नई ऊर्जा दे सकें। फोर ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके जीवन में मनी रिलेटेड, लव रिलेटेड, करियर रिलेटेड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स, स्पिरिचुअलिटी रिलेटेड सारे काम सॉर्टेड हो जाएंगे। तो आपको किसी ऐसी ही फील्ड में जाना चाहिए करियर में भी जहाँ पर आपके वाक् चातुर्य का इस्तेमाल भरपूर ऊर्जा से हो सके, ठीक है। अदरवाइज आप इन दो जहानों के बीच में फंसे हुए रह जाएंगे, आप क्लैरिटी के साथ निकल नहीं पाएंगे। एंड यहाँ पर डीप नोइंग का कार्ड है। कहीं ना कहीं आपको बहुत स्ट्रांगली ये चीज़ पता होगी, पाइल नंबर टू पीपल, कि कुछ तो है जो कि ख़त्म नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से सिर्फ और सिर्फ ओवर थिंकिंग चलती रहती है जीवन में। तो आप क्यों हैं इस दुनिया में? ताकि आप अपना सोल पर्पस कंप्लीट कर सकें, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, आप अपने पास्ट लाइफ के कर्मास को कंप्लीट कर सकें। क्योंकि आपने पास्ट में कुछ नेगेटिव ही कर्म किए हैं, एडिक्शन का कार्ड है यहाँ पर, जिसकी वजह से, वॉर का भी कार्ड है यहाँ पर, जिसकी वजह से ना आपको इस जन्म में यहाँ पर इस एनर्जी में डाला गया है। हो सकता है आपने पास्ट में कुछ ऐसे कर्म करे जिसकी वजह से आपने अपनी वाक् चतुर्य का इस्तेमाल करके लोगों के दिमागों के साथ में आपने खेला और लड़ाइयाँ करवाई हैं, ठीक है, अपने सपनों को पूरा करने के लिए। ऐसा बिल्कुल हो सकता है, कार्ड्स हैं यहाँ पर ऐसे, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इसीलिए आपको ये चीज़ बोली जा रही है कि जिस चीज़ की वजह से आपने पास्ट लाइफ में नेगेटिव कर्मास क्रिएट करे थे, अब उसी चीज़ की वजह से आप लोगों को इंस्पायर करके अपने कर्मों को धो सकें। डिवाइन इज़ हेल्पिंग यू। यहाँ पर है तेजस का कार्ड। इसका मतलब अपने अंतर मन की जो तेजस्वी ऊर्जा है उसको समझने की कोशिश करें और आगे बढ़ें, उसके साथ प्रॉपर धर्म प्रणायन करें। और प्रत्याहार का कार्ड है यहाँ पर। मेरी पता नहीं क्यों जबान बहुत लड़खड़ा रही है, मैं सच बताऊँ
मुझे बैक पेन इतना गंदा वाला हो रहा है कि मैं आप लोगों को बता नहीं सकती। इस रीडिंग की जो एनर्जी है ना वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, मैं आपको शब्दों में बयान नहीं कर सकती। नेक्स्ट आप लोगों के लिए एडवाइस है प्रत्याहारा, यानी कि आपको अपने जीवन को एक नए उद्देश्य के साथ जीने की कोशिश करनी चाहिए। अगर ये रीडिंग आपसे 10% भी रेजोनेट हुई है ना तो समझ जाइएगा कि अभी ज़रूरत है आपको इस चीज़ को समझ के आगे बढ़ने की। बी लॉयल टू वॉट यू लव, उस चीज़ से लॉयल रहें जिस चीज़ से आप बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, ठीक है। को क्रिएट विद स्पिरिट, अपनी स्पिरिट के साथ दोबारा से शुरू कीजिए अपनी इस जर्नी को, इस लाइफ को। और सी द बिग पिक्चर, आपके जीवन में जो भी अच्छा और खूबसूरत है उसको देख करके आगे बढ़ने की कोशिश करें। आप ऐसे बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो मुझे ये बोलेंगे कि लोगों को तो तब सिखाएं ना जब हमारी जीवन सही हो। यहीं पर ही नेगेटिविटी की शुरुआत आप कर देते हैं। आपके जीवन में चाहे जो भी चल रहा हो, अगर आप अपने सोल पर्पस को ढूंढ करके उसके ऊपर काम करना शुरू करते हैं ना तो डिवाइन आपकी जितनी भी परेशानियां होती हैं उनको कर देती है कम, ठीक है, ताकि आप अपने सोल पर्पस पर ध्यान दे सकें। आपके जीवन की जितनी भी मुसीबतें होती है ना वो आती ही इसीलिए है ताकि आपको भगवान समझा सके कि भाई तुम्हारा सोल पर्पस, लाइफ पर्पस ये है, इसको करने की कोशिश करो। लेकिन हम क्या करते हैं, ठन ठन पाल मदन गोपाल, वो वाली कहावत है यहाँ पर, ठीक है। तो पाइल नंबर टू पीपल, इसीलिए आपने इस सिंबल को पिक किया था कि अपनी ऊर्जाओं को, अपनी एनर्जीज़ को पहले इन्हांस करो और फिर उसकी अपनी थर्ड आई की हेल्प लेकर के लोगों के पास में इस चीज़ को पहुंचाओ, ठीक है। तो अपने वाक चातुर्य का इस्तेमाल कीजिए, लोगों को गाइड कीजिए बेसिकली, और लोगों को कन्विंस कीजिए उनके अच्छे भविष्य के लिए। अगर आपको आज की रीडिंग पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। किसी भी तरीके की पर्सनल पे रीडिंग्स के लिए आप लोग मुझे मेल कर सकते हैं, और मैं मेल आईडी डिस्क्रिप्शन में सारी डिटेल्स मौजूद हैं। अपना ख्याल रखिए, जल्दी मिलते हैं एक और नई रीडिंग में, तब तक के लिए ढेर सारा वाला प्यार।